सो हेलो बेब्लेड फैन, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आप सब ये बात ज़रूर जानते होंगे कि बेब्लेड परसों दिन से ही टीवी पे आ चुका है और बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज आया है। फर्स्ट एपिसोड से लेके 3 एपिसोड करके वो 3 बार दिखा रहा है दिन में। अगर आपको डेट टाइम चाहिए तो मैं आपको डेट टाइम बता देता हूँ। तो दिन में फर्स्ट 1 बजे से 2:30 PM तक आता है, उसके बाद शाम को 5 बजे से 6:30 पर आता है, और उसके बाद 10 बजे में आता है और 11:30 होकर वो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग को बहुत चांस दिया है बेब्लेड कम्युनिटी ने, डिज्नी ने। आप बहुत बार बेब्लेड को देख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट 1 बजे वाला मिस किया तो आप 5 बजे वाला देख सकते हैं, और अगर आपने 5 बजे वाला मिस किया तो आप 10 बजे वाला देख सकते हैं। सो दोस्तों, डिज्नी ने तो हमारे लिए ये रिस्क लिया है, इसके लिए हम लोग डिज्नी इंडिया का थैंक्स करना चाहेंगे। तो इसके अलावा भी जो लोग अभी भी बेब्लेड नहीं देख पा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी जानते हैं कि बेब्लेड बंद हो गया था और पिटीशन फुल 25K साइंस होने के बाद ही बेब्लेड वापस आ सकता है, इसलिए वो शायद टीवी खोल के भी नहीं देखे होंगे। तो आज मैं उनके लिए ही बात करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो और वो लोग, तुम लोग मतलब बेब्लेड आ चुका है ये जानते हो, तो जितने लोग नहीं जानते हैं कि बेब्लेड टीवी पे आ चुका है, तो उन लोगों को साथ शेयर करो मेरा ये वीडियो, तो उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि बेब्लेड टीवी पे आ चुका है, और देखना शुरू करो। अगर बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ को फिर से सपोर्ट मिलता है तो शायद बेब्लेड के मेटल सीरीज़, बस्ट एवोल्यूशन सीरीज़, बस्ट टर्बो या फिर GT भी हमें सब दिखा सकते हैं। और अगर बेब्लेड को फुल सपोर्ट मिलता है तो शायद दूसरे एनिमेज भी हमें मार्वल HQ में देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे इस वीडियो को तुम लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार रिश्तेदार के साथ जो बेब्लेड के फैन हैं, बेब्लेड देखते हैं, और जो अभी नहीं देख रहे हैं ये जान के कि बेब्लेड ख़त्म हो चुका है, तो उनका ये सोच दूर करके मेरे वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचा दो। वो भी मेरे वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि बेब्लेड टीवी पे आ चुका है। तो जितने लोगों ने बेब्लेड को टीवी पे लाया है या फिर लाने की कोशिश की है, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा। जैसे कि अल्टीमेट हाकर और XT यूनिवर्स, उन्होंने ही पिटीशन बनाया था, पिटीशन में 25,000 साइन करने थे, और 25,000 तो अभी भी साइन नहीं हुए, लेकिन डिज्नी इंडिया हर बार पिटीशन को देखते थे, और पिटीशन देख के जो 4,800 साइनिंग हुए हैं, मुझे ठीक से पता नहीं, बट 4,800 के आसपास साइनिंग हुए हैं। तो डिज्नी इंडिया ने वो देखा और डिज्नी इंडिया समझ गया, इसलिए उन्होंने बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ फिर से मार्वल HQ पर लॉन्च कर दी, क्योंकि बेब्लेड के जितने भी फैंस साइनिंग की हैं वो लोग ठीक से बेब्लेड को फिर से देख सके। तो अगर मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो कोई बेब्लेड का यूट्यूबर है या फिर पोकेमॉन का यूट्यूबर है या फिर दूसरे एनिमे का यूट्यूबर है या फिर गेमिंग यूट्यूबर भी, जो भी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप यूट्यूबर है, जो मैंने कहा कि आप लोग खुद भी एक ऐसा वीडियो बनाए कि जो लोग नहीं जानते हैं कि बेब्लेड टीवी पर आ चुके हैं वो लोग भी जाने जो बेब्लेड TV पे आ चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि लोग जान पाएँ कि बेब्लेड टीवी पे आ चुका है। और मैं एक बार 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 नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक बार बहुत कह चुका हूँ। तो दोस्तों, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट 2 या 3-4 वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा।